पता है क्या, एक चीज़ मैंने देखी है, मैं एक एग्ज़ाम देने गई थी, वहाँ पे बच्चों से मैंने ऐसी बात करी, तो साथ के लोगों से, मतलब मुझसे तो छोटे थे, बट क्योंकि मेरी भी एज उस ब्रैकेट में आती है जहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे सकती थी, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बच्चा के बोल रही है, बट एक होता है कि एक बड़े लोगों के लिए भी उसमें होता है एज ब्रैकेट 21 to 40, तो अगर मुझसे छोटा है तो मेरे लिए बच्चा ही है, तो इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ऑल दो नॉट रिक्वायर्ड। तो वहाँ पे लोगों को मैंने एक माइंडसेट देखा कि उनका एक लिमिटिंग बिलीव है कि वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का तो दे सकते हैं लेकिन इससे ऊपर का नहीं दे सकते, कह रहे अरे नहीं कहाँ दीदी, इतना बड़ा एग्ज़ाम मैं कहाँ दे पाऊँगा, प्रिपरेशन मैं कहाँ कर पाऊँगा, जबकि आप यकीन जानिए एटलीस्ट 50% ऑफ क्वेश्चन उस एग्ज़ाम का ही सेम होगा दूसरे एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा हाई लेवल है, एक्चुअली वो हाई लेवल है, अंडरस्टैंड, बट यार आप पहले ही हिम्मत हार दोगे जब आप यंग हो, 21, 22, जब वो उस एग्ज़ाम की आपकी उम्र है, आप उस टाइम पे आप दोगे ही नहीं और बाद में आप बलाल करोगे कि काश एग्ज़ाम मैंने दे दिया होता, या कई लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं पहले हम ये दे दें फिर हम उसके बाद दूसरा प्रिपेयर करेंगे, हम तब वो दे देंगे, तो यार ये क्या है कि लिमिटिंग बिलीव है, आप अपने को कम आंक रहे हो, आप अपने को पुश नहीं करना चाह रहे हो, आप उस थ्रेशोल्ड से कि मेरा इतना ही थ्रेशोल्ड है उस सीमा से बाहर नहीं जाना चाह रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हो, जबकि आपकी आधी मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हो, कर रहे हो, तो बट थोड़ी सी और मेहनत करके, थोड़ा सा अपने को पुश करके उस बड़े सपने को भी हासिल कर सकते हो, एटलीस्ट ठीक है हासिल ना करो बट हथियार तो मत डालो, पहले कोशिश तो करो, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कोशिश ही नहीं कर रहे हो ना, वो गलत है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि यार बड़े सपने देखो, बड़ा सपना जब देखोगे तभी तो उसको पूरा करोगे, अगर आपने पहले ही हिम्मत हार ली, हथियार डाल दिए, तो फिर क्या हासिल कर पाओगे।